वेलकम टू माय किचन। आज बनाएंगे स्वीट पोटैटो की चाट, यानी कि शकरकंदी की चाट। इसको हमने अलग तरीके से तैयार करना है। मैं इसको कुकर में तैयार करके बनाऊंगी। ये रोस्ट करके बनेगी, इसको हमने उबालना नहीं है। रोस्ट करके बनाएंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इस तरीके से बनाओगे और खाओगे तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा और खाने का मन करेगा। बिल्कुल बाजार जैसी तैयार होगी ये चाट। शकरकंदी लेंगे 5 से 6, मीडियम साइज की लेनी है शकरकंदी। और आलू लिए मैंने 3, वो भी मीडियम साइज के हैं, उनको छील लेंगे। मैंने सारी शकरकंदी और आलू छील लिए हैं। वो बड़ी जो शकरकंदी थी उनको मैंने बीच में से काट के 4 पार्ट बना दिए हैं। सभी शकरकंदी और आलू काट लिए हैं। मैं प्रेशर कुकर लूँगी और उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने से इसका फ्लेवर अच्छा आता है और ये रोस्ट करने में भी हेल्प करता है। और बीच में सारी कटी हुई शकरकंदी और आलू डाल देंगे। इसको हमने ऐसे फैला के नीचे रखना है। मैंने सभी आलू और शकरकंदी कुकर में लगा दिए। इसको ऐसे ही रखना है और ऊपर हमने इसके ऊपर और नहीं रखने हैं, जितने तले पे लग जाए उतने ही रखने हैं। और एक किचन नैपकिन लेंगे, उसको पानी में भिगो के अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है। इसके लिए आप सूती कपड़ा भी ले सकते हैं। इसको निचोड़ के मैंने अब आलू और शकरकंदी के ऊपर बिछा दिया है। इसको अच्छे तरीके से ढक देंगे ताकि सारे ही जो आलू और शकरकंदी है इससे स्टीम होंगे। इसी कपड़े की स्टीम से ही ये पकेंगे और इस कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। मैंने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया। अब इसको गैस पे चढ़ाएंगे, गैस ऑन करेंगे और कुकर को लो फ्लेम पर रखेंगे। इसकी 1 सीटी बजने तक हमने इसको गैस पे रखना है। मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है, 1 सीटी बज गई है। स्टीम सारी निकाल देनी बाहर और कुकर खोल के देखेंगे। पहले हमने कपड़े को हटा देना है और आराम आराम से निकाल लेंगे। शकरकंदी और आलूओं को निकाल लेंगे बाहर। ये देखिए बहुत ही अच्छी रोस्ट हुई है। जो कुकर के 7 पार्ट लगा था वह ब्राउन हो गया है। ये ब्राउन पार्ट भी बहुत टेस्टी लगता है। इसको आप हटाए नहीं, ऐसे ही खाएं, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। सारी मैंने काट ली है आलू और शकरकंदियां। इसकी अब चाट तैयार करेंगे। एक बाउल में निकाल लेंगे सारी शकरकंदी। अब इसकी चाट तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 2 सॉसेस लेनी है। चिल्ली सॉस ली मैंने, इसके 2 चम्मच डालेंगे। आप हरी चटनी भी ले सकते हो, घर पे हरी चटनी होती है उसको भी डाल सकते हो। चिल्ली सॉस नहीं है तो टमाटो सॉस डालेंगे 2 चम्मच। ऐड करेंगे 1/2 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर। आधा चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा डालेंगे काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची। ये दोनों चीज़ अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं।
और एक नींबू का रस लिया मैंने, उसको भी ऐड करेंगे। इन सबको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी, आप ज़रूर बनाएं। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। सर्व करेंगे एक बाउल में। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपको नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं आगे ऐसे ही नई नई रेसिपीज लाती रहूँगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी अच्छी से अच्छी रेसिपी लाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।